के बीच जंग जैसे जैसे खिंच रही है, वैसे वैसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की झल्लाहट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इसी जंग को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने उस विनाशक हथियार का बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ा दिया है, जो अमेरिका जैसे देशों की आंखों में भी चुभता रहा है। का महाविनाशक हथियार पलक झपकते ही तबाही मचाने की ताकत, दुश्मन की मिसाइलों का कार, पुतिन के जंगी दस्ते का बाहुबल, यूक्रेन से जंग में उतरेगा S-500, यह रूस की वॉर मशीनरी का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। यह पुतिन की सेना का ऐसा बलशाली हथियार है जिसके चूकने का सवाल ही नहीं उठता। ये रूस के जंगी दस्ते की वो मशीन है जो महाशक्ति अमेरिका की आंखों में भी किरकिरी बनकर छुपती है। पुतिन की इस वॉर मशीनरी को दुनिया S-500 के नाम से जानती है। शोले उगलते इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में दावा किया जाता है कि अगली पीढ़ी का वो हथियार है जिसके आगे दुनिया के बड़े से बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं। अब खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में चल रही जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए S-500 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग में दुश्मन देशों को झकाने के लिए रूस अपने इस बाहुबली का इस्तेमाल कर सकता है। बताया जाता है कि रूस के घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की तुलना में S-500 कई गुना खूबियों से लैस है। इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश S-400 से ही इतनी खार खाता है कि जो भी रूस से उस वॉर मशीनरी को खरीदने की कोशिश करता है, अमेरिका उस पर पाबंदियां लगाने की धमकी देता है। S-500 के बारे में दावा किया जाता है कि मिसाइलों का इतना बड़ा शिकारी है कि इसके मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन की खबर ने ही बाइडेन की रातों की नींद उड़ा दी। इस डिफेंस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी के प्रमुख ने दावा किया है, हमने नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि रूस अपने इस बेहद शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि S-500 एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो जमीन से आसमान में उड़ती मिसाइलों को अचूक निशाने से मार गिराता है। S-500 की रेंज लगभग 600 किलोमीटर है, मतलब ये कि 600 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की जो भी मिसाइल उड़ रही हो, S-500 को तुरंत उसकी भनक लग जाती है और वो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ रही करीब 10 मिसाइलों को मार गिरा देगा। S-500 मिसाइल को एक साथ डिटेक्ट और अटैक करने की ताकत रखता है, फिर चाहे वो लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर F-22 जैसा अमेरिका का फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो विमान होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो रेडार की पकड़ में ना आए। इतना ही नहीं,
दावा है कि रूस का S-500 मिसाइल सिस्टम बेहद खतरनाक है, हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी अपने जाल में फंसा सकता है। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें अपनी स्पीड और चाल बदलने की वजह से इतनी खतरनाक होती हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देती हैं। मतलब दुश्मन रूस का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और पृथ्वी के अंदर उड़ती मिसाइलों, ड्रोन और विमानों को तो छोड़िए, दावा है कि रूस का S-500 इतना दमदार है कि पृथ्वी के बाहर चक्कर लगा रहे सैटेलाइट तक को मार गिरा सकता है। जाहिर है रूस के इस घातक हथियार का जंग के मैदान में उतरना दुश्मन देशों पर भारी पड़ सकता है। यही वजह भी है कि अब ये खबर अमेरिका जैसे देश के लिए भी चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि अमेरिका वो देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है, मारीपोल में भी भीषण जंग की खबर आ रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने टैंक ध्वस्त करने का वीडियो भी जारी किया है। रूस मारीपोल को अपने कब्जे में होने का दावा करता है, लेकिन वहां से युद्ध की खबरें लगातार आ रही है। तो लगातार एक के बाद एक कई सारे अटैक्स हो रहे हैं और मारीपोल में इस वक्त भीषण जंग जारी है। और महायुद्ध में पुतिन के बदले प्लान से यूक्रेन बेचैन हो उठा है, क्योंकि पुतिन की बदली हुई रणनीति की वजह से यूक्रेन आने वाले दिनों में युद्ध लड़ने के लायक नहीं रह पाएगा। पुतिन अब उस जगह वार कर रहे हैं जो यूक्रेन की सैन्य ताकत की लाइफलाइन कही जाती है। क्या है पुतिन का ये पूरा प्लान और कैसे पुतिन इसे अंजाम दे रहे हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की हथियार सप्लाई में सबसे बड़ी सेंध, पुतिन का वार, ज़ेलेंस्की रह गए खाली हाथ। यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन ने मिसाइलें दागी, गोले बरसाए, लेकिन वो युद्ध को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। पुतिन ने रणनीति बदली, यूक्रेन पर हवाई हमलों का हर रास्ता खोल दिया। बमों की बारिश से यूक्रेन के हथियार डिपो का जर्रा जर्रा उड़ा दिया। बावजूद इसके वो यूक्रेन को झुका नहीं पाए। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले युद्ध में पुतिन ने एक बार फिर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और ये तस्वीरें पुतिन की उसी बदली रणनीति की गवाही दे रही है। यूक्रेन की रेल लाइनों को काटने का प्लान, हथियारों के रेल रूट पर पुतिन का ब्रेक, पुतिन की नई रणनीति पूरी तरह से साफ है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यानी जिन हथियारों की बदौलत ज़ेलेंस्की रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, अब उन हथियारों को ही पुतिन यूक्रेन तक पहुंचने नहीं देंगे। और ऐसा करने के लिए पुतिन ने यूक्रेनी रेलवे को बिजली सप्लाई करने वाले 6 बिजली घरों को निशाना बनाया है। हमला करके यूक्रेनी रेलवे के 6 बिजली घरों को तबाह कर दिया है। ये उसी हमले के बाद की तस्वीरें हैं जहां यूक्रेनी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी रेलवे के बिजली घरों में हमले के बाद लगी आग बुझाते दिख रहे हैं। अब तक इन्हीं बिजली घरों की मदद से यूक्रेन के रेलवे को बिजली मिलती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह तबाह हो चुके हैं।
ऐसे वक्त पर हुआ जब दो दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कीव का दौरा करके वापस लौटे हैं। अमेरिकी मंत्रियों के दौरे में यूक्रेन को नए हथियारों की मदद की बात कही गई, लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों से हथियारों की नई खेप पहुंचाई जाती है। उससे पहले ही पुतिन ने यूक्रेन की रेल लाइन का पावर कट कर दिया। दरअसल ये और कुछ नहीं था बल्कि पुतिन के गेम प्लान का हिस्सा था कि एक साथ यूक्रेन के सारे रेलवे स्टेशनों को ध्वस्त किया जाए, जिसके चलते जो बड़े हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही थी उसे रोका जा सके। दरअसल यही विदेशी हथियार जो जेलेंस्की के लिए ताकत बने हुए थे उसकी सप्लाई को ही काट दिया गया। यूक्रेन रेलवे के जिन बिजली घरों को निशाना बनाया गया उनमें से ज्यादातर पश्चिमी यूक्रेन और मध्य यूक्रेन में मौजूद हैं, यानी पश्चिम की ओर से ट्रेन यूक्रेन के दूसरे शहरों तक न पहुंचे। इस रणनीति के तहत ये मिसाइल हमले किए गए। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने बड़े गुपचुप तरीके से यूक्रेन तक फाइटर विमान के कलपुर्जे पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन फाइटर विमानों के पार्ट यूक्रेन तक कैसे पहुंचे, किस रास्ते से पहुंचे, विमान से ये यूक्रेन भेजा गया या फिर पोलैंड के रास्ते ट्रेन से इसे यूक्रेन पहुंचाया गया, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। और यही वजह है कि पुतिन का शक यूक्रेन के रेल लाइनों को लेकर अब बढ़ गया है, और इसीलिए रूस की सेना ने अब रेल लाइनों को कट करने के लिए इसकी पावर सप्लाई पर ही मिसाइलों से हमला कर दिया है, ताकि न ट्रेनों को बिजली मिलेगी और न वो विदेशों से हथियार ढो पाएंगी। और दो महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन जंग लगातार अब भी चल रही है, और ऐसे में वहां के शहर में क्या स्थिति इस वक्त है आपको बताएंगे रवि। तो रूस यूक्रेन जंग को दो महीने से ज्यादा हो गए लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ तो लग रहा था कि जल्द ही रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भले यूक्रेन के शहर खंडर हो चुके हैं लेकिन रूस को भी भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि जंग में अब तक रूस के करीब 22,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है, तो वहीं रूस की 2,308 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस की करीब 1643 गाड़ियां, 918 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने महायुद्ध में रूस की 416 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 184 विमानों और 154 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 149 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का दावा भी किया है, साथ ही 205 ड्रोन भी नष्ट करने की बात कही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, युद्ध में यूक्रेन का बड़ा दावा है, रूस को बड़े नुकसान का दावा उसकी ओर से किया गया है। 22,000 रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है, 2300 से ज्यादा सैन्य वाहन तबाह करने का दावा है और 939 रूसी टैंक तबाह किए गए हैं, 155 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किए गए हैं। ये यूक्रेन के दावे हैं, उसकी ओर से कहना है कि लगातार वो नुकसान पहुंचा रहा है रूस की सेना को। ऐसे में कई सारी बख्तरबंद गाड़ियां, रूसी टैंक उसने ध्वस्त कर दिए हैं, 2300 से ज्यादा सैन्य वाहन तबाह किए जा चुके हैं, ये यूक्रेन का कहना है। और वहीं 939 रूसी टैंक तबाह किए गए हैं, 155 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं, ये दावा है यूक्रेन का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लगातार पलटवार भी उसकी ओर से किया जा रहा है। हालांकि आक्रामक रवैया कई शहरों में इस वक्त देखने को मिल रहा है, रूस जिस तरीके से तबाही मचा रहा है उसकी नाराजगी साफ जाहिर है, और ऐसे में यूक्रेन की ओर से भी डटकर उसका सामना किया जा रहा है। तो ऐसे में भारी नुकसान इस वक्त न केवल यूक्रेन को हो रहा है बल्कि रूस को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। सेना ने एक स्कूल पर हमला कर दिया और इस हमले में एक आदमी की मौत भी हो गई है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमला किया जा रहा है। लुहांस्क का वो क्षेत्र जिसको पहले आजाद घोषित कर दिया गया था और इसकी सीमा भी रूस की सीमा से लगती है, तो ऐसे में यूक्रेन के लुहांस्क में रूस की सेना ने एक बार फिर से हमला किया और इस बार स्कूल को टारगेट किया गया था, स्कूल पर ही हमला किया गया था। और उसके बाद की तस्वीर भी देखिए, जब ये हमला किया गया मिसाइल से तो गड्ढा बन गया है उस क्षेत्र में, उस स्थान पर जहां पर ये मिसाइल गिरी, स्कूल पर ही हमला किया गया था। और इस हमले में एक आदमी की मौत की भी खबर सामने आ रही है। लुहांस्क का वो क्षेत्र जहां पर लगातार रूसी सेना ने इस
एरिया को पूरा घेर भी लिया है क्योंकि रूस के बॉर्डर से सीधे सीधे इसकी सीमा लगती है। तो ऐसे में लुहांस्क पर कब्जा जमाने की फिराक में इस वक्त रूस दिख रहा है साफ साफ, और ऐसे में वहां स्कूल में और साथ साथ तमाम रिहायशी इमारतों में लोगों को परेशान करने की फिराक में इस वक्त रूस है। और ऐसे में वहां अटैक किया गया और स्कूल को इस बार टारगेट किया गया है रूस की सेना की ओर से, और बताया जा रहा है कि एक आदमी की मौत भी हो गई है। लुहांस्क हो, डोनेस्क हो, मारपोल हो, तमाम ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी सीमाएं सीधे सीधे रूस से लगती हैं, और इन्हीं क्षेत्रों पर अपनी विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाता हुआ रूस खुद को मजबूत करना चाहता है किसी भी कीमत पर। ऐसे में लुहांस्क की तस्वीर आप देखिए, जब मिसाइल से अटैक किया गया स्कूल पर, लुहांस्क का स्कूल है, तो उसके बाद वहां की धरती पर, वहां की जमीन पर गड्ढा बन जाता है। इससे आप सोच सकते हैं कि आखिर तबाही कितनी बड़ी वहां पर हुई होगी। हालांकि एक आदमी की मौत की भी खबर वहां पर सामने आ रही है। लुहांस्क में रूस की सेना ने लगातार कई हमले किए और इस हमले में एक आदमी की मौत भी बताई जा रही है। और पुतिन यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई लाइन पर हमले कर रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की भी इस युद्ध नीति में पीछे नहीं है, या यूं कहें कि ज़ेलेंस्की इस मामले में पुतिन को भी मात देने की कोशिश में है। और ज़ेलेंस्की अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो खुद पुतिन की लाइफलाइन खतरे में आ जाएगी। ज़ेलेंस्की अपने बंकर में बैठकर ऐसे ही बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। एक बार फिर देखिए, जब मिसाइल पुल से टकराती है तो कमांड सेंटर में धमाका कैसा नजर आता है। क्या ज़ेलेंस्की पुतिन को दूसरा झटका और भी जोर से देने वाले हैं? क्या मॉस्कोवा के बाद ज़ेलेंस्की के टारगेट पर पुतिन की लाइफलाइन आ चुकी है? क्योंकि ये हमला हुआ तो पुतिन पूरे यूरोप पर बम बरसा देंगे। पुतिन की लाइफलाइन क्या है? कैसे ज़ेलेंस्की पुतिन की सांसें थाम सकते हैं? क्या रूस का गला दबाने के लिए ज़ेलेंस्की एक बहुत बड़े मिसाइल अटैक का प्लान फाइनल कर चुके हैं? ज़ेलेंस्की की पुल वाली साजिश के बारे में सुनेंगे तो पुतिन की तरह आप भी हैरान रह जाएंगे। ये है पुतिन की वो लाइफलाइन जिसने क्राइमिया पर रूस के कब्जे को पिछले कुछ सालों में और मजबूत कर दिया है। ये है क्राइमिया ब्रिज। इस ब्रिज के सामरिक मायने बहुत ज्यादा है। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है। ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है, लेकिन अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की अपनी सेना के कमांडर्स के साथ मिलकर इसी पुल को मिसाइल से उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन ओलेस्की डेनिलोव ने कहा है कि अगर क्राइमिया ब्रिज को निशाना बनाने के लिए हमें कोई मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। танки леопард, бронетранспортер, протикорабельні ракети гарпун, це те, що у вас є і чим ви можете допомогти захисту свободи і цивілізації Європи. Тому звертаюсь до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу. Ми потребуємо посилення санкційного тиску на Росію. पश्चिमी मीडिया और उसके अखबार भी इसी खबर से पटे पड़े हैं। हेडलाइंस में बताया जा रहा है कि कैसे रूस का ये नया पुल ज़ेलेंस्की के टारगेट पर आ गया है। सब क्राइमिया ब्रिज की ही बात कर रहे हैं। पुतिन और उनकी सेना ने जब से ज़ेलेंस्की के इस प्लान के बारे में सुना है, तब से पुतिन की कुछ ऐसी ही तस्वीरों के ख्वाब आ रहे हैं। रूस को खतरा है कि ज़ेलेंस्की क्राइमिया ब्रिज का भी वही हाल कर सकते हैं जो उनकी मिसाइलों ने मॉस्कवा का किया।
3.5 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत से तैयार हुए इस पुल के दो हिस्से हैं, यानी दो समानांतर पुल बनाए गए हैं। इनमें एक रेल यातायात के लिए है, जिससे पुतिन तेजी से अपनी फौज की तादाद क्राइमिया में बढ़ा सकते हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार आई हैं, जब रूस के टैंक इसी रास्ते से क्राइमिया तक पहुंचाए गए। वहीं दूसरा रास्ता गाड़ियों के लिए है। क्राइमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने इस पर कब्जा किया और फिर यहां जनमत संग्रह करा के इस पर अपना हक जताया। 2014 में ही रूस ने इस पुल को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और 2018 में इसे तैयार कर दिया। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने खुद ट्रक चलाकर इस पुल को पार किया था। ट्रकों का काफिला लेकर वो क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी तैयार हो गया। तब भी उद्घाटन पुतिन ने ही किया, जब वो उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया तक गए। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। अमेरिका और यूरोपीय संघ पुतिन की इस सीनाजोरी से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है, और आज भी वो क्राइमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानता। अब सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की इसी पुल को टारगेट करके क्राइमिया की बेइज्जती वाला बदला लेंगे? सवाल ये भी कि अगर ज़ेलेंस्की ने ऐसा हमला किया तो क्या वो यूरोप को खतरे में डाल देंगे और नौबत वर्ल्ड वॉर किया जाएगी? ऐसी नौबत क्यों आ सकती है इस ब्रिज और इसकी पुतिन के लिए क्या अहमियत है, आप उसे देखकर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। रूस के अखबार का बड़ा दावा है, रूस के 300 अधिकारी की मौत का दावा इस अखबार में किया गया है। रूस के 300 से ज्यादा अधिकारियों की मौत हुई है, ये बड़ा दावा यहां पर रूस के एक अखबार में दावा किया गया है। और कहा गया है कि 300 अधिकारी ऐसे हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है यूक्रेन की सेना की ओर से। तो बड़ा दावा यहां पर, क्योंकि लगातार कई सारा नुकसान झेल रहा है रूस, और ऐसे में बड़ा झटका भी उसके लिए माना जा सकता है, क्योंकि खुद रूस के ही अखबार ने इस बात का दावा किया है और कहा है कि रूस के 300 अधिकारी ऐसे हैं जिनकी मौत इस रूस यूक्रेन युद्ध में हुई है। तो 300 अधिकारी इस वक्त खो चुका है रूस, बड़ा दावा। रूस के अखबार ने ही ये दावा किया है। लगातार अभी दो महीने से जंग जारी है और ऐसे में रूस को बड़ा नुकसान होता हुआ साफ दिख रहा है। बड़ा हमला हुआ है ओडेसा में, रूस की बमबारी ओडेसा में, रेलवे ब्रिज पर यह हमला किया गया है। हमले में रेलवे ब्रिज तबाह भी हो गया है, तस्वीरें भी सामने आ गई है। रेलवे ब्रिज पर हमला किया गया है ताकि किसी भी तरीके से रेलवे को बाधित किया जा सके। तो ऐसे में ओडेसा में यह हमला किया गया है। ओडेसा एक बेहद महत्वपूर्ण शहर है यूक्रेन का, और ऐसे में देखिए किस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि ब्लैक सी के पास ये जो शहर है वो स्थित है यूक्रेन का। तो ऐसे में ताकि वहां से किसी भी तरीके की हलचल यूक्रेन ना कर पाए, और ऐसे में वहां जो रेलवे ब्रिज था उसको ध्वस्त किया गया है रूस की ओर से। बड़ी खबर सामने आ रही है, गाजियाबाद के आईएमएस कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया है। कॉलेज कैंपस में हॉस्टल की लिफ्ट नीचे गिर गई और लिफ्ट में 12 छात्र मौजूद थे, जिसमें 10 छात्र जख्मी बताए जा रहे हैं। लिफ्ट हॉस्टल के 5वें फ्लोर से नीचे गिर गई और आनंद फानन में छात्रों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि एक लिफ्ट में महज 6 छात्र सवार हो सकते थे, लेकिन 12 छात्र लिफ्ट में मौजूद थे। तो आईएमएस कॉलेज में बड़ा हादसा ये हो गया है, जहां पर कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। लिफ्ट दरअसल नीचे गिर गई, 10 छात्र जख्मी भी बताए जा रहे हैं। 12 छात्र एक साथ एक ही लिफ्ट में उस वक्त मौजूद थे जब ये लिफ्ट गिरी। गाजियाबाद के कॉलेज में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। आईएमएस कॉलेज है गाजियाबाद का, जहां पर ये बड़ा हादसा इस वक्त हुआ है। लिफ्ट यहां पर गिर गई है और जिस वक्त ये लिफ्ट गिरी उस वक्त उस लिफ्ट में 12 छात्र मौजूद थे। हालांकि लिफ्ट में जो मैक्सिमम संख्या थी केवल 6 ही छात्र उसमें मौजूद हो सकते थे, लेकिन डबल ये आंकड़ा था, 12 छात्र उस वक्त मौजूद थे। फिलहाल आनंद फानन में इन तमाम छात्रों को पास के ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, और बताया जा रहा है कि एक लिफ्ट में महज 6 छात्र सवार हो सकते थे, लेकिन 12 छात्र उस वक्त लिफ्ट में मौजूद थे। आईएमएस कॉलेज का ये
मामला बताया जा रहा है जहां पर लिफ्ट अचानक से गिर गई और पांचवें फ्लोर से लिफ्ट नीचे गिरी, जिसमें 12 छात्र उस वक्त मौजूद थे जब ये पूरा हादसा हुआ। आईएमएस गाजियाबाद की ये घटना है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। 10 बच्चे घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं और घायलों को फिलहाल नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लिफ्ट टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और 12 छात्र उस वक्त लिफ्ट में मौजूद थे जब ये हादसा हुआ था। हालांकि केवल 6 ही छात्रों के लिए उसमें स्थान था, लेकिन संख्या ज्यादा होने की वजह से लिफ्ट नीचे गिर गई। आईएमएस कॉलेज की ये वही लिफ्ट है जो अचानक भरभराकर नीचे आई थी। ये बताया जा रहा है कि पांचवें फ्लोर के पास जब ये थी तो उस वक्त ज़्यादा वजन हो गया था, क्योंकि जो छात्र थे उनकी संख्या 12 के आसपास थी और वो इस लिफ्ट में अचानक जब बैठे थे तो ओवरलोडिंग थी, क्योंकि वेट जो उसका था वो जो लिफ्ट है वो सहन नहीं कर पाई। और उसके बाद लिफ्ट के अंदर 3 ऐसी वायर होती हैं जो इसे रोके रखती हैं, और ये बताया जा रहा है जो इलेक्ट्रिकल जो यहाँ पर इंजीनियर थे उन्होंने बताया कि एक वायर टूटी, उसके बाद दूसरी भी टूटी और इसी वजह से बच्चे जो हैं वो लिफ्ट में फंसे रह गए और वो पूरी लिफ्ट जो है भरभराकर नीचे गिर गई। और उसके बाद इसमें तकरीबन 2 बच्चों को फ्रैक्चर आने की बात कही गई है, वहीं 4 से 5 बच्चे घायल हुए हैं। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर आए हुए हैं, जाँच की जा रही है, पुलिस अधिकारी है, फायर डिपार्टमेंट है कि क्या असल वजह रही थी। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट यही बताया जा रहा है कि ज़्यादा वजन होने की वजह से लिफ्ट की वायर टूटी और जिसके बाद ये लिफ्ट नीचे आ गई। कैमरामैन ईश्वर के साथ दीपक बिस्तू, न्यूज 18 इंडिया, गाजियाबाद। आईएमएस कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी हमारे साथ हैं, क्या आप बता रहे थे पुलिस को कैसे हुआ? नहीं, मैं बता रहा था उनको जो रोप टूटी है उनको ये दिखा रहा था कि यहाँ पे जो व्हील है बड़ा वाला, इस पे रोप चलती है, वो 3 जो रोप से जो टूटी है। अच्छा, मैं सिर्फ ये बता रहा, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं। ये जो रोप दिखाई दे रही है, हाँ, ये जो लोहे का वायर दिखाई दे रहा है, ये 3 रो होती है। अच्छा, ये तो नहीं, ये जो तार नजर आ रही है, हाँ, ये तार जो रस्सी से नजर आ रही है ये है वो। अच्छा, ये 3 रो होती है, ये 3 रो होती है, वो टूटी, अब उसके जहाँ ये कसी भी होती है वो टूटा। मैंने पहली प्राथमिकता के तौर पे पहले हॉस्पिटल में जो बच्चे उपचाराधीन हैं उनको देखने आया हूँ मैं। कुल 10 बच्चे उपचाराधीन हैं, 9 बच्चे जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट पा रहे हैं, 1 को थोड़े पैर में फ्रैक्चर के की संभावना है तो डॉक्टर्स ने शायद उसको ऑपरेशन के लिए रेफ़र किया है, वो डॉक्टर्स अपनी राय रखेंगे उस पर। घटना के लिए एक जाँच भी की जाएगी, घटना कारणों के जाँच के लिए उसकी जाँच रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को सबमिट कर दी जाएगी। गाजियाबाद के आईएमएस कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लिफ्ट नीचे भरभराकर गिर जाती है, उसके बाद उसमें 12 छात्र सवार भी रहते हैं जिसमें से 10 जख्मी बताए जा रहे हैं और 1 छात्र गंभीर रूप से जख्मी है। तो ऐसे में बाकी के 9 छात्रों को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है और ऐसे में लगातार प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद हो गया है। और लिफ्ट में 12 छात्र उस वक्त मौजूद थे जब ये लिफ्ट गिरी, पांचवें मालवे से गिरी है, बताया जा रहा है 5th फ्लोर पर उस वक्त ये लिफ्ट मौजूद थी। जब ये लिफ्ट नीचे अचानक से गिर जाती है क्योंकि संख्या ज्यादा हो जाती है छात्रों की, हॉस्टल के 5वें फ्लोर से नीचे गिरी और आनंद फानंद में तमाम छात्रों को पास के ही अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि 1 लिफ्ट में महज केवल 6 छात्र सवार हो सकते थे, लेकिन 12 छात्र उस वक्त मौजूद थे और संख्या ज्यादा होने की वजह से ही सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है, इस वजह से आईएमएस गाजियाबाद में बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल 10 छात्र लगातार जख्मी है जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। और आईएमएस गाजियाबाद की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर यही वो लिफ्ट थी जो उस वक्त नीचे गिरी और 5वें फ्लोर में उस वक्त ही मौजूद थी जब ये नीचे गिरी है। 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। और 12 छात्र उस वक्त मौजूद थे इस लिफ्ट में जब ये लिफ्ट नीचे गिरती है। आईएमएस गाजियाबाद कॉलेज की ये घटना है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ, गाजियाबाद के आईएमएस कॉलेज में ये बड़ा हादसा हुआ और कॉलेज कैंपस में हॉस्टल की लिफ्ट नीचे गिर गई। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, आईएमएस गाजियाबाद में बड़ा हादसा हुआ है, वहां पर एक लिफ्ट नीचे गिर गई और उस वक्त 12 बच्चे उसमें मौजूद थे और ये भी कहा जा रहा है कि 10 बच्चे घायल भी हो गए हैं, 10 छात्र घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पीएम मोदी की राज्यों से वैट कम करने की अपील, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को वैट कम न